मेरे तीन दोस्त और मैं सैटरडे नाइट को पागल हो रहे थे। हमारे कॉलेज के एग्जाम्स खत्म ही हुए थे और हमें कुछ तो करना था अपना दिमाग रिजल्ट से हटाने के लिए। हम सब लोग मेरे घर वीडियो गेम्स खेल रहे थे कि तभी मेरे एक दोस्त जेफ, उसे उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आई। वो जिसको ट्विटर पे फॉलो करता था, उसने एक अनाउंसमेंट डाली और वो जगह हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं थी। जब मैंने जेफ से पूछा होस्ट कौन है, उसने मना कर दिया। पता नहीं, उसने कहा, वो क्यूट लग रही थी तो मैंने उसे फॉलो कर लिया, शायद लास्ट मंथ। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम में से कोई भी चौंका नहीं। हमें पता था कि जेफ को सुंदर चेहरे पसंद थे, फिर भी हमने सोचा कि अभी मन कर रहा है तो जाना चाहिए। हम सब लोग बहुत बोर हो रहे थे और हाउस पार्टी में जाने का आइडिया अच्छा लगा, और वैसे भी कॉलेज की टेंशन खत्म करनी थी। निकलने से पहले मैंने अपना इमरजेंसी इनहेलर अपने बेडरूम से ले लिया। मुझे बहुत गंदा अस्थमा था तो मैं इमरजेंसी इनहेलर अपने पास हमेशा रखता था जब भी कहीं बाहर जाता था। मैंने इनहेलर अपने जेब में डाला और अपने फ्रेंड्स को कार में ज्वाइन किया और हम पार्टी के लिए निकल गए। वहां जाते हुए हमने डिसाइड किया कि मैं ग्रुप का डेजिग्नेटेड ड्राइवर होऊंगा। मुझे शराब ज्यादा पसंद नहीं थी तो मैं तो सिर्फ वहां मजे करने जा रहा था और कुछ लड़कियों से मिलने का मौका मिल जाता। मैंने एक घंटा गाड़ी चलाई और जेफ मुझे डायरेक्शंस दे रहा था और फिर उसने मुझे गाड़ी रोकने को कहा। मैंने अपनी गाड़ी एक बड़े घर के आगे पार्क की। थोड़ा कंफ्यूज दिखने के बाद जेफ ने बताया ट्विटर पोस्ट के हिसाब से वही पार्टी है। वो घर जैसे दिख रहा था, वो देख के पहले तो हमें थोड़ी चिंता हुई। हाँ, वो एक बड़ी जगह थी, बल्कि वो हाउस पार्टी के लिए एक परफेक्ट जगह थी, पर बाहर से वो कुछ डरावनी सी लग रही थी। वहाँ के लाल पर्दों में से कोई भी लाइट्स नहीं आ रही थी। हमें कुछ यूजुअल आवाजें भी नहीं आ रही थी, जैसे कि डांस म्यूजिक या शराबियों की हंसी। सब कुछ बहुत शांत था। वहाँ पे टीड़ों की आवाजें भी नहीं आ रही थी। वहाँ की घास में भी कोई आवाज नहीं थी। एक सेकेंड के लिए तो ऐसा लगा जैसे जेफ हमें किसी गलत जगह ले आया है। दो तीन बार ट्विटर पर एड्रेस चेक करने पे पता चला कि हम सही एड्रेस पे थे और शायद वो पार्टी एक मजाक था। शायद वो पोस्टर ओनर के साथ मजाक करने के लिए बनाया था कि पार्टी उनके घर पे है। हमें पता था कि वो बहुत गंदा मजाक था, पर हमें पता था कि जब तक जेफ मना नहीं करेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम उसके पीछे आगे के दरवाजे पर गए ये देखने कि वहाँ कोई है भी या नहीं। आगे के दरवाजे पर पहुंचने के बाद हमें वहाँ एक पुराने जंग लगे किसी चीज की बदबू आई, जैसे कि कोई तांबा सड़ रहा हो। जेफ ने बड़े दरवाजे को तीन बार खटखटाया और हमने फिर वेट किया। हमें अंदर से कोई आवाज नहीं आई, पर कुछ सेकंड्स के बाद वो दरवाजा खुला। तभी अचानक हमारी आंखों में मल्टी कलर्ड लाइट्स चमकने लगी और जोर से म्यूजिक सुनाई दी। वो जंग लगी बदबू किसी सस्ती शराब और चिकन पिज्जा की तरह लग रही थी। हमें दरवाजे पर वो लड़की दिखी जिसने ट्विटर पे पार्टी अनाउंस की थी और उसने कपड़े ना के बराबर ही पहने थे। उसने हमें बड़ी सी स्माइल के साथ ग्रीट किया और हमें अंदर ले गई। उन बंद पर्दों के पीछे ऐसी ही एक पार्टी थी जिसमें मैं पहले भी गया हुआ हूँ। उसने हमें कहा इसे अपना घर जैसा ही समझो और हमें लाल रंग के ग्लासेस पकड़ा दिए जिसमें शराब थी। क्योंकि मुझे वापस गाड़ी चला के जाना था, मैंने अपनी ड्रिंक साइड में टेबल पर रख दी। जेफ ने मुड़के हमें इशारा किया, मैंने कहा था ना, और फिर लड़कियों के पास चला गया। कुछ टाइम के लिए तो सब कुछ बहुत अच्छा था। मेरे दोस्तों को खाने पीने और लोगों से बात करने में बहुत मजा आ रहा था। पर्दे हमेशा बंद ही रहे, पर मैंने इस बात पर गौर करने का नहीं सोचा। जैसे जैसे रात गुजरती गई, वो सड़े हुए तंबे की बदबू वापस से आने लगी। मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, वो अच्छी स्मेल नहीं थी, पर पार्टीज में मैंने और भी गंदी चीजें सूंघी हुई है। मैंने बस ऐसा सोचा शायद किसी की नाक में से खून आया हो या किसी का कोई टैंपून भूल गया होगा। एक बार तो मुझे अस्थमा अटैक भी आने लगा था क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही डांस कर रहा था। ऐसा कुछ नहीं था कि मेरा इनहेलर ठीक नहीं कर सकता था। मैंने अपना इनहेलर हिलाया, अपने मुंह में डाला और उसकी दवाई निकाली। मेरी आंखें बंद थी जब मैंने अपना इनहेलर लिया। मैंने 10 तक गिना, जैसे मैंने हजारों बार किया है। मेरी छाती अकड़ी हुई थी जब तक मेरी दवाई ने अपना काम करना शुरू किया। मैंने अपनी आंखें वापस खोली और पार्टी कंटिन्यू करने का प्लान किया, पर मुझे तो एक डरावने सपने जैसा मांस का दृश्य दिखा। मैं उस घर में नहीं खड़ा था,
और अगर वो घर था भी तो वो किसी नरक से कम नहीं था। उसकी दीवारें लाल मांस से बनी हुई थी, जैसे घर सांस ले रहा हो। जमीन पर गुलाबी रंग का कारपेट था, मेरे पैरों के नीचे जैसे कोई मांसपेशी हो। यहाँ पर एक समय एक दरवाजा था, वहाँ अब जबड़े के जैसे दांत एक दूसरे से चिपके खड़े थे। और सिर्फ यही घटिया बात नहीं थी, उस घर में लोग थे। वहाँ पार्टी करने लोग तेज म्यूजिक पे डांस और ड्रिंक कर रहे थे, जैसे कोई घर सांस अंदर और बाहर ले रहा हो। वो सब आधे पचे हुए लग रहे थे और उनके चेहरे और पेट में से मांस भी निकला हुआ था और उनकी सफेद हड्डियां दिख रही थी। और जहाँ उनके अंग होने चाहिए थे वहाँ खाली गड्ढे दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अंदर से बाहर तक किसी तेजाब ने खा लिया है। कोई भी नोटिस नहीं कर पा रहा था कि उनकी खुद की बॉडी पार्ट्स गायब है। वो बस उस तेज आवाज पे नाचते जा रहे थे। वो सांस लेते हुए घर जिसमें मांस का कारपेट था, जैसे उनका खुद का मांस गिरा हो। बहुत सारे लंबे लिम्फ ट्यूब्स जो अंतड़ियों की तरह लग रहे थे वो सीलिंग से लटक रहे थे। वो बेखबर पार्टी करने वाले लोगों ने ट्यूब्स अपने मुंह में डाली और एसिडिक पीट की तरह हरा ड्रिंक पी रहे थे। अपने दिमाग में शायद वो लाल कप्स में बियर ही पी रहे थे, पर उन्हें पता नहीं था कि वो उस घर का खाना बन रहे थे। वो गंदे तांबे की बदबू जो मुझे पहले आई जब मैं यहाँ पहुँचा था, वो अब और भी ज्यादा तेज हो गई थी जब से मुझे इस घर के बारे में पता चला है। अगर मुझे किसी गेस्ट को वेंचर कराना हो तो शायद वो तांबे की बदबू ऐसी थी जो हर किसी को उस नॉर्मल पार्टी में हेलुसिनेट कर रही थी। मेरे इनहेलर में जो केमिकल्स थे वो शायद उस घर के हेलुसिनेट करने वाली चीजों से मिक्स हो गए थे। उन्होंने मेरे साथ कुछ ज्यादा अच्छा नहीं किया। वैसे वहाँ कोई खिड़कियाँ नहीं थी, वहाँ से बाहर जाने का रास्ता उन चबाने वाले दांतों से होके ही जाता था। मैंने उसे खोलने की कोशिश की है पर उस पे थूक की फिसलन से मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। कुछ देर के बाद मुझे धुंधला सा दिखने लगा। वो हेलुसिनेट करने वाली चीजों ने असर दिखाना शुरू कर दिया और मैं बार बार एक नॉर्मल हाउस पार्टी में जाता देखने लगा जहाँ लोग सिर्फ मजे कर रहे हैं। मुझे रियलिटी में आने के लिए इनहेलर का एक और पफ लेना पड़ रहा था, पर जब भी मैं ऐसा करता रियलिटी मुझे और भी कम दिखने लगती। मैं वहाँ कुछ घंटों तक फंसा रहा और बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था। इनहेलर लेने के बाद मुझे कुछ समय के लिए घर की मोह माया से दूर जाने को मिलता, पर अब मैं हेलुसिनेशन का स्वागत करने लग गया था। मैंने अभी अपने इनहेलर का पफ लिया है, जल्द ही मैं वापस इस घर के भ्रम में आ जाऊंगा। मैं मानता हूँ कि जो भी मैंने देखा वो बस एक बुरा सपना था और सच नहीं जो मुझे पता है। इग्नोरेंस इज अ ब्लिस आफ्टर ऑल। मेरे स्कूल के फाइनल ईयर के खत्म होने के आसपास हमारे स्कूल के एक शांत बच्चे ने हाउस पार्टी रखी और क्लास में सबको बुलाया। हमने सबने सोचा कि ये लड़का किसी से बात भी नहीं करता था और आज ये पार्टी थ्रो कर रहा है। पर हमें फ्री में पार्टी मिल रही थी तो हमने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। हम सबने सोचा कि शायद वो लास्ट हुर्रा करना चाहता है इससे पहले हम सब बोरिंग बड़ों की दुनिया में आ जाए। मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था पर मेरे दोस्त जाना चाहते थे तो मैंने सोचा चले ही जाता हूँ। हम घर पहुंचे और पार्टी फुल ऑन चल रही थी। क्लास के सब बच्चे डांस कर रहे थे और बियर्स ऐसी पी रहे थे जैसे पानी पी रहे हो। वो घर बहुत बड़ा था तो वहाँ कुछ 100 बच्चों के लिए अच्छी खासी जगह थी। वो शांत बच्चा जिसने पार्टी होस्ट की थी, शायद उसका नाम टिम था, वो खड़ा दूसरे बच्चों से बातें कर रहा था जिनको मैं बिल्कुल नहीं जानता था और ये कोई नई बात नहीं थी। मैंने उसे ऐसे कभी नहीं देखा था, हम में से किसी ने भी नहीं। आज तक हम उसे ऐसे जानते थे जैसे वो कोई चुपचाप अपने कैफेटेरिया में अकेले लंच खाने वाला बच्चा हो। कुछ बच्चे तो ऐसे भी थे जो उसे हर रोज परेशान भी करते थे, उसके लंच के पैसे चुरा लेते थे, उसे लॉकर रूम में बंद कर देते थे, जब भी वो निकलता था उसके बीच में आके उसे गिरा भी देते थे, वही सब चीजें। मैं उस पार्टी में उन सब बच्चों को भी देख के बहुत हैरान हुआ। वो रिंग लीडर बीफ अपनी वही हरकतें कर रहा था और एक बच्चे को बियर के स्टैंड पे खड़ा कर रहा था। उस घटिया लड़के को क्यों कोई इनवाइट करेगा मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, पर मैं कौन होता हूँ जज करने वाला। मेरे दोस्तों और मैंने टेक्नो म्यूजिक पे डांस किया और बियर पोंग भी खेला। उसके बाद तो हमसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, पर मैंने देखा कि टीम अपने आप को इन चीजों में शामिल नहीं कर रहा था। उसने कोई बियर नहीं पी, ना ही डांस फ्लोर पे डांस किया।
वो अपने घर के कोने में खड़ा हुआ घर को बच्चों द्वारा तहस नहस होते देख रहा था। मुझे ऐसे लगा कि शायद उसने पार्टी इसीलिए रखी है ताकि लोगों को पता चल जाए कि वो भी एग्जिस्ट करता है, और शायद मैं सही ही था। जब रात खत्म होने को आई, टीम ने पहली बार लाउडस्पीकर पे पार्टी को एड्रेस किया। हेलो दोस्तों, उसने बहुत महंगी शराब की बॉटल्स पकड़ी हुई थी जो आई एम श्योर उसने अपने पेरेंट्स की लिक्योर कैबिनेट से निकाली होंगी। कौन अच्छी वाली शराब पीना चाहता है? लाइन में लग जाओ और अपने कप्स ले आओ। पार्टी करने वाले सब अपने लाल कप्स लेके वहाँ चले गए और इंतजार करने लगे कि आखिर अच्छी शराब का टेस्ट होता कैसे है। सबसे आगे बीफ था जो मुस्कुरा रहा था जब टीम शराब डाल रहा था। किसी वजह से ऐसे लगा जैसे टीम ने बीफ को चुपके से ज्यादा ड्रिंक दी बाकी सबसे। उस टाइम मुझे लगा शायद वो बीफ से दोस्ती बनाने के लिए ऐसा कर रहा है। मैं भी शायद टेस्ट कर लेता पर मैं ऑलरेडी ही बहुत टल्ली था, तो मैं पास के सोफे के पास पहुंचा और वही लेट गया। मेरी आधी बंद आके पूरी पार्टी होते देख रही थी, पर इससे पहले मैं पूरा बेहोश हो जाता मैंने पार्टी के बारे में कुछ अजीब सा देखा। लोग जो नाच रहे थे वो पहले से ज्यादा सुस्त हो गए थे, जैसे कि वो किसी पानी में तैर रहे हो, और उनको देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मेरे अंदर की शराब थी जो मुझे ऐसा दिखा रही थी। बीफ उल्टी करने वाला पहला इंसान था। उसका चेहरा पीले से सफेद हो गया था और उसके मुंह से खून भी बह रहा था। क्या हो रहा है ये? वो अपने उल्टी पर गिरने से पहले घुर्राया। उसके बाद सब लोग उल्टी करने लगे और इधर उधर जमीन पे गिरने लगे, पर जब सब लोग घबराते हुए गिर रहे थे, टीम ये सब मुस्कुराते हुए देख रहा था। और तब मैंने रियलाइज किया कि उसने खुद वो विस्की बिल्कुल नहीं पी है। ज्यादा समय नहीं लगा और लोगों ने उस पे आरोप लगाना शुरू कर दिया। ये तुमने जानबूझ के किया है ना? बीप का एक दोस्त चिल्लाया जो खुद बहुत दर्द में था। तुमने ऐसा क्या किया? टीम ने जवाब नहीं दिया। वो सीधा उस लड़के के पास गया, अपनी शर्ट के नीचे से पिस्तौल निकाली और सीधा उसके सर में मार दिया। वो लड़का पीछे जाते हुए जमीन पे गिरा और उसके सर में छेद हो गया था। मेरे जूतों के नीचे मुझे उसका गर्म खून बहता हुआ महसूस हुआ। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई और टीम हर किसी को गोली से मारता चला गया जो जहर वाली विस्की से नहीं मर रहा था उसे। मेरी बॉडी डर के मारे पैरालाइज हो गई थी और मैं उसी पार्टी में सबको एक के बाद एक मरता हुआ देख रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद की और बिल्कुल भी नहीं हिला। वो सिर्फ उन्हें मार रहा था जो उसे लग रहा था कि मरे नहीं है। मैंने भरोसा किया कि अगर मैं विस्की से मरा हुआ दिखाऊंगा तो शायद मुझे वो नोटिस नहीं करेगा। मैं वैसे बहुत देर तक बैठा रहा। और सब बच्चों की मौत की चीखें सुनता रहा जो मेरे साथ स्कूल जाते थे, उस इंसान से जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। आखिरी गोली सुनने के बाद भी मैंने अपनी आंखें नहीं खोली। मैंने मेरी आंखें तभी खोली जब मैंने बाहर पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज सुनी। वो घर एक कब्रिस्तान बन चुका था। मेरे आसपास वो लोग थे जो या तो जहर वाली विस्की से मरे या अपने सर पर लगी गनशॉट से, और उन सब के बीच में टीम बैठा था। उसके हाथ में अभी भी गन थी जो उसने अपने सर पे लगाई हुई थी। उसने वही किया जो उसे करना था। उसने उन सबको मार डाला जिन्होंने उसे परेशान किया और उनको जिन्होंने उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं किया। मुझे लगता है इसके बाद उसने जीने की जरूरत नहीं देखी। उस पार्टी में जो भी गया था उसमें सिर्फ मैं अकेला ही बचा। जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और अपने क्लासमेट्स की चीखने की आवाज सुनाई देती है, आज भी मैं उस बात के बारे में सोच के सहम जाता हूँ कि उस रात मैं मौत के कितने करीब था। मैंने हाई स्कूल के सीनियर ईयर में एक बड़ी पार्टी थ्रो की। मेरे मम्मी पापा दोनों बिजनेस ट्रिप पे गए थे तो पूरा घर मेरा और मेरे बड़े भाई का था। मैंने अपने कुछ ही दोस्त बुलाने का सोचा, पर मेरे भाई ने सबको बुलाया जिसके साथ उसने रूम शेयर किया और उसके सभी बाकी दोस्तों को भी। हाँ, हम दोनों में से वो ज्यादा सोशल है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे ज्यादा लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी और साथ ही नए लोगों से मिलने का मौका मिला। अगर मैं लकी होता तो शायद मुझे किसी लड़की से बात करने का भी मौका मिलता। पार्टी की रात को मेरा भाई जो कि 21 साल का है, उसने बहुत सारी शराब पास के ठेके से खरीदी जिससे सब लोग अच्छे से एंजॉय कर पाते।
और मैंने गेस्ट के लिए जंक फूड बनाया, जैसे कि चीजी नैचोस और ग्रीसी चिकन फ्राइज, और फर्नीचर इधर उधर किया ताकि गेस्ट डांस कर सके। सबसे पहले मेरा दोस्त आया, जिससे मैंने लास्ट मिनट डीजे भी बुक किया था। मैंने उसे इक्विपमेंट सेट करने में और गेस्ट के आने से पहले म्यूजिक चूज करने में भी हेल्प किया। कुछ को तो मैं जानता था और बाकियों का मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मैंने एज्यूम किया कि शायद वो ये सब लोग हैं जिन्हें मेरा भाई जानता है या उसके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं। कुछ समय तक तो सब सही चला, लोगों ने ड्रिंक्स पी, डांस किया और डाइनिंग रूम में बियर पोंग भी खेला। मैंने बहुत लड़कियों से बात की और बहुत लड़कियां तो मुझसे बात करने से ज़्यादा पार्टी को एंजॉय कर रही थी, और वो तब तक था जब तक मैं इस लड़की से मिला जो एक कोने में अकेली बियर पी रही थी, और वो बहुत अकेली लग रही थी। वो एक छोटे हाइट की भूरे बालों वाली लड़की थी जिसने जीन्स और कैजुअल टी शर्ट्स पहनी हुई थी, जो मुझे लगा शायद मेरे स्कूल से थी, पर पक्का याद नहीं आ रहा था। इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा था तो मैंने जाके उससे बात करनी शुरू कर दी। हाय, तुम पार्टी एंजॉय कर रही हो? उस लड़की ने अपने बियर के कप से ऊपर होते देखा और मुस्कुराई। हाँ, मुझे मजा आ रहा है, उसने कहा। वैसे उसकी अनएक्साइटेड आवाज से वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं लगी। नैचोस बहुत अच्छे हैं। ये सुनते ही मैं उससे और भी बातें करने लग गया। अच्छा लगा सुन के, ये मैंने बनाए हैं। मुझे याद नहीं उसने उसके बाद क्या कहा, पर एक के बाद एक बातें चलती गई और हम दोनों बहुत ज़्यादा बातें करने लगे। वो पहले बहुत चुप और शांत थी, पर फिर कुछ बियर्स और ना जाने कितने स्नैक्स के बाद खुल गई। उसका नाम लिज था और वो स्कूल की फुटबॉल टीम की चीयर लीडर थी। वो पार्टी में अकेली इसलिए आई थी क्योंकि उसने रिसेंटली ही अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप किया था, जो कि स्कूल की फुटबॉल टीम का कोई जॉक था। जब वो डेट कर रहे थे, वो पार्टी पे किसी नए लड़के से मिलना चाहती थी और मैं उसके सारे बॉक्सेस में फिट आता था। पार्टी चल ही रही थी और हम दोनों सोफे पे बैठ के मेकआउट करने लगे। मुझे लगा मैं उस रात लकी हो जाऊंगा। मैं शायद उसे ऊपर कमरे में आने को कहता अगर मुझे इंटरप्ट नहीं किया जाता। हम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे कि एक मजबूत हाथ ने मेरे कंधे को पकड़ा। मुझे लीच से दूर धकेल दिया गया और हम आमने सामने आ गए। वो एक गोरा लड़का था जिसने अपने 250 किलो का हाथ मेरे ऊपर रखा था। तुम मेरे गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहे हो? वो चिल्लाया। मैंने तुरंत जान लिया कि वो कौन है और लिज ने भी कंफर्म किया। हे भगवान जोई, हम अब डेट नहीं कर रहे हैं। लिज के एक एक्स बॉयफ्रेंड ने उसकी तरफ देखा। ये तुम डिसाइड नहीं करोगी। ऐ पीछे हट जाओ। मेरे मुंह से ये बात निकलना जैसे कोई बिल्ली शेर के सामने फुफकार रही हो। तुम दोनों अब साथ नहीं हो, वो जो चाहती है वो कर सकती है। जब जोई ने घूसा मारने के लिए अपना हाथ उठाया, तब मैंने उसके माथे की नस फूलते देखी। मैंने अपने चेहरे पर प्रभाव लाने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे भाई के साथ क्या कर रहे हो? पीछे से मेरे भाई की आवाज आई। हम सबकी आंखें मेरे भाई पर गई, जो बिजली की तरह लोगों को चीरते हुए चलता आ रहा था। अचानक सब लोग मेरे भाई और जोई को घूरते हुए देखने लगे, जिसने अभी भी अपने पसीने वाले हाथ से मेरा कंधा पकड़ा हुआ था। उसे जाने दो, मेरे भाई ने धीमी धमकी भरी आवाज में कहा, और मेरे घर से दफा हो जाओ। वहां एकदम सन्नाटा छा गया। जोई एक बड़ा लड़का था, पर मेरा भाई उससे भी लंबा था। जब उसे पता चला कि मेरा भाई ये सब बकवास देखने के मूड में नहीं है, उसने मुझे छोड़ दिया और घर से चुपचाप निकल गया। लोगों ने मेरे भाई को चीयर किया और सब वापस पार्टी और डांस करने लग गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लीज को देखने के बाद मेरे भाई ने मुझे आंख मारी और अपने लिए लड़की ढूंढने चला गया। वैसे तो जोई को मैं बिल्कुल भी नहीं डरा पाया था, पर जोई के सामने मुझे खड़ा देख के शायद लीज इम्प्रेस हो गई थी। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, पर आधे घंटे बाद लिज और मैं मेरे कमरे में किसी दूसरी तरह के मजे ले रहे थे। उस जोई के साथ हुए ड्रामा के अलावा वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, और वो तब तक जब मैं नीचे एक जोर की आवाज सुनी। पहले तो मुझे लगा शायद किसी ने कुछ गिरा दिया है, जैसे कि खाने का बाउल या बियर की बॉटल। फिर एक बार और तेज आवाज आई, जिसकी वजह से म्यूजिक बंद हो गया और किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आई। क्या हो रहा है? लिज ने डर भरी आंखों से देखते हुए मुझे पूछा। पता नहीं, तुम यही रहो, मैं देखता हूँ,
मैं अपने कमरे से नीचे भागता हुआ गया और जो मैंने देखा उससे मुझे उल्टी बस आ ही गई थी। सब पार्टी में या तो नीचे झुके हुए थे या किसी फर्नीचर के नीचे, और मैंने जो अपने डीजे दोस्त को हायर किया था वो जमीन पर गिरा हुआ था और उसका सर धड़ से अलग था। उसके सर की सफेद खोपड़ी लकड़ी की जमीन पर उसके गुलाबी भेजे के साथ पड़ी थी। उसकी एक आंख सर में से उड़ गई थी और बेजान पड़ी थी जब तक मैं पूरी सिचुएशन को समझ पा रहा था। टॉम बैठ जाओ, मेरे भाई ने डरते हुए कहा। मैंने मुड़ के अपने भाई को टाइम पे देखा और तभी एक जोर का धमाका हुआ और गोली सीधे मेरे भाई के दिल में लगी। मैंने जो देखा उससे मैं बहुत ज्यादा डर गया था, पर जैसे मेरे भाई ने कहा मैं अपने हाथ ऊपर करके वैसा ही बैठ गया। वो आवाजें जो अब मुझे पता चला वो गोलियों की आवाजें थी, और वो आवाजें कुछ देर तक चलती रही। जितनी बार भी वो बची कुछ ना कुछ या कोई ना कोई तो मरा। एक बुलेट तो दीवार से लगती हुई मेरे कंधे पे भी लगी, पर मैं बिल्कुल भी नहीं चिल्लाया। मैं वहाँ वैसे ही पड़ा रहा जब तक पुलिस नहीं आ गई। मैंने देखा नहीं कि क्या हुआ था, पर मुझे गन फाइट की आवाज सुनाई दी जब वो अपनी बची खुची गोलियों से पुलिस को अगले 10 मिनट तक मार रहा था। लास्ट में मैंने बंदूक की आवाज सुनी और एक जोरदार धमाका हुआ। पुलिस ने घर को घायल लोगों को ठीक करने के लिए घेर लिया। मुझे स्ट्रेचर पे ले जाया गया मेरे शोल्डर को ठीक करने के लिए। जब वो मुझे एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे तब मैंने उस शूटर को पास से देखा। वो जोई था, उसके हाथ में अभी भी उसकी हंटिंग राइफल थी जिससे वो हमें अपने खूनी हाथों से मार रहा था। एक बंदूक के धमाके ने उसके सर के बीच के भाग को फोड़ दिया था और मेरे सामने लॉन में उसका शरीर पड़ा था। आई होप उसे दर्द हुआ हो जब उसे पुलिस ने मारा। मैं पूरी तरह से ठीक हो गया था, पर उस रात का सदमा मैं आज भी नहीं भूला। मैंने अपना भाई हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, बस इसीलिए क्योंकि एक पागल से सहा नहीं गया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया। मैं जोई को कभी माफ नहीं करूंगा और ना ही भूलूंगा। अगर नरक है तो मैं चाहता हूँ वो वहाँ हमेशा के लिए सड़े।